No, what's the matter? Lunchbox check your balance. Coconut dry hair, this is quite good. Kidna Changa, Mada Changa, ya Mada, Mada, ya Changa. Mada, they in the tapa, they saw the one rock at gay. But both have you not carefully they. सामने पे ग्रीन टक्कर ला ओके तेरी आईज दे बिल्कुल सामने तेरी वीडियो बनानी है आ जाना दवा दा वीडियो आगे थोड़ा सा और पतला करेंगे इसको गाड़ी है काफ़ी उसके बाद इसका करेंगे तड़का तैयार तूने क्या तू कोई गमी बेयर्स भी नहीं खाने ओ विटामिन ना खाई ओके अंटिल सर्जरी सो कड़ी पत्ता मैं यूज़ करती हूँ फ्रोजन हमेशा से क्योंकि ज़्यादा तो हम कड़ी पत्ता ऐड करते नहीं है बहुत सारी चीज़ों में ओह माय गॉड बाल के दखे लड़े पे मेरे दैट्स ओके बिकेगम वेरी ब्यूटीफुल ओके सबसे पहले मस्टर्ड सीड्स ऐड कर देंगे तेल गर्म नहीं हुआ पर जब मस्टर्ड सीड क्रैक होंगे ना तभी कड़ी पत्ता ऐड करेंगे एंड सीजनिंग कर देंगे ऐड आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे लग रही है चटनी चटनी प्यारी एंड खूबसूरत है इसमें मैंने दही ऐड किया है सो दही घर पर बनाया गया है सो कोकोनट की चटनी है तैयार टमाटर की भी सांभर को भी मैंने तड़का लगा दिया वीडियो नहीं बनाई है पर एक सीटी मरालन ने हो क्योंकि दाल ना थोड़ी लाइक अच्छी तरह मिक्स हो जाती है एंड इमली डालेंगे जब डन हो जाएगा मैं सोच रही हूँ इडली भी बनाई लेते हैं खा के जाते हैं पार्क में मैंने ना पिद्दी सा नैप लेने की कोशिश की थी कुछ देर पहले हस्बैंड की शर्ट पहनी है मैंने अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको ये कहाँ से मिलेगी तो ये आपको मिलेगी कॉस्को से क्योंकि जब आप बुढ़े हो जाते हैं तो फिर आप चीज़ें खरीदते हैं कॉस्को से पति लोग पत्नियाँ तो फिर भी इधर उधर खरीद लेती हैं सो इडली बनाने के लिए हॉकिंस का कुकर यूज़ करेंगे बेचारे की हालत इतनी बढ़िया नहीं है पर इसे मैं कुकिंग के लिए नहीं यूज़ करती हूँ इडली बनाने के लिए करते हैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे पानी ऑलरेडी गर्म है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इडली एक्सपर्ट बन चुकी हूँ सो इडली स्टैंड को मैंने ना दोबारा से डब्बे में पैक कर दिया था ऐसे प्रटेंड करने के लिए कि कभी मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया नवे ही जैसा तो के सवार के चमका के नवेदा नवा ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ें करना मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली आई डोंट थिंक सो कि ये उल्टी पुल्टी चीज़ है सियानी चीज़ है ये सियाने बंदे की पहचान है जो चीज़ों को प्यार करते हैं प्यार नहीं करते संभाल के रखते हैं ओके पानी इडली दे स्टैंड नो खोलन सो लास्ट टाइम ना बहुत सारे दोस्त जानना चाहते थे कि मैंने इडली का मिक्सर कौन सा यूज़ किया मुझे पता नहीं कि यही वाला ब्रांड था या कोई और था ये है SI फूड फ्रेश हाइजीनिक 100% नेचुरल नो प्रेजर्वेटिव्स एंड ये अच्छा बना था इसमें मैंने ना थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था सो इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि इससे इनफ इडलियाँ बन गई थी एंड दो चार पेपर डोसे भी पर इसको मैं ना इसमें निकाल लूँगी ताकि थोड़ा सा पानी ऐड कर ले कैंची इतने गई हेयर इट इज
पसंद है पानी बहुत। सो मेरे घर में आया है एक मेहमान जो कि साउथ इंडिया से है, उसकी मम्मी रोज़ ही इडली बनाती है। वी डोंट हैव चॉकलेट बट वी आर मेकिंग इडली टुडे। यू लाइक इडली? इट्स वेरी नॉर्मल फॉर यू राइट, बट इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। सो आई वॉन्ट यू टू एक्ट लिटल सरप्राइजिंग लाइक इडली, ओ माई गॉड वाव, समथिंग लाइक दैट। Do you get excited when you guys make dal makhani? Yeah, but my mom comes. Yeah. So we get excited when we make idli. Dal makhani is North Indian. So you like dal makhani with parantha or roti or dal or chawal? Okay, he's not interested. Kya ki aunty bakwas kar rahi hai mummy. Okay, you can have a chocolate. Ki tu hi kit secret galla kar rahe? No chocolates. No chocolates? What do you mean? That's fine. No, actually, this is my chocolate. You want kukure? No, thanks. Mango candy? Oh, yeah. One time, when I ate one time, when I got one, I realized I had it. मैंने प्रणव नु दस किया ही इडली बनानी है आज। तू कह के असी इडली बनान लगे हैं। कह नु। I heard it on the news. मजाक उड़ा रहे बच्चे मेरा, कहते अभी न्यूज़ च सुन लिया। थैंक्स फॉर मेकिंग फन ऑफ मी, आई एम गोना कॉल योर डैडी एंड टेल हिम। प्रणव वॉज थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग यू समथिंग सरप्राइज यस्टरडे बट ही कुडंट डू इट बिकॉज ही एट इट। मिमी क्या, मेरी मम्मी सारा पिज्जा स्क्रैच तो बना दिया, इवन बेस। मिमी तू अपनी मम्मी की तारीफ कर। मिमी पानी सुनन दे मेरी गल। ओके सो ऑयल लगा दिया है, पानी हो गया है गर्म। ओके बता रहा है अब। आज ना हिम्मत की स्कूल बस हो गई लेट, और हिम्मत की स्कूल बस में एक इंडियन बॉय चढ़ता है और वो हिम्मत का दोस्त बन गया, हिम्मत की क्लास में ही है। सो हस्बैंड ने इसको छोड़ने के लिए गए थे, तो हस्बैंड कह रहे बस लेट होगी, तो हम लोग बातें करनी शुरू कर दी। तो ये दोनों बातें कर रहे थे किसको कौन सा फूड खाना पसंद है, बोल रहे मुझे छोले भटूरे पसंद है ये वो, और हस्बैंड कह रहे, हिम्मत कह रहा कि मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा बेस्ट राजमा बनाती है, इंडियन फूड बनाती है। एंड वो लड़का कह रहा नहीं, मेरी मम्मी सबसे बेस्ट बनाती है। फिर डिस्कस करने लगे कि केड़ा खाना किसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक छोले भटूरे पूरी छोले साग की सिस्टर। हिम्मत ना पालक पनीर उसको अच्छा लगता है, साग नहीं खाता वो, तो वो कहता है पालक पनीर को साग की सिस्टर। मिमी जदों मैं कहूँगी कि वापस आना है आना है। ओके Pranav, I got a new name for you. I'm gonna call you baby reindeer. I have to show my hair. Pranav, are you still banned to play with him? No. No? Okay, साडे गली में एक बच्चा रहता है प्रणव, उसके साथ खेलने के लिए बैन लगाया उसने, कह रहा बैन हट गया। That's good. Okay. So, bus. Hey Gugu, put timer for 10 minutes. Pyari, are you ready for idli? मैं प्रणव नु कहा कि साडे घर इडली बनन लगी आ, कहना सो वार। मैं कहा तेरे लिए नॉर्मल गल आ, साडे लिए बड़ी बड़ी गल आ। मैं कहा तू एक्साइटेड होना जो दाल मखनी बनदी, कहना या। मैं कहा दाल मखनी साडे लिए नॉर्मल गल आ। मैं कहा ते कल पिज्जा देन आया क्यों नहीं, कहंदा खाई हो गया सारा बचा ही नहीं। आज तो कदी भी क्राइम करेंगी ना, एक गल दा ध्यान रखी। गाइस मेरा हस्बैंड मुझे सिखा रहा है क्राइम कैसे करते हैं। तो पता किद्दा फिर एयरपोर्ट।
ए बुग्गी आ जा। खाना नहीं खाना? थैंक यू। जो आज भी खा सकते हैं जो हूं भी खा सकते हैं की प्यारी चल प्लेट काट दे मैं दवा ते खा। ओवर एक्टिंग काट कर यार आगे फिर खाऊंगा। नहीं एडी केड़ी मजबूरी है उन्हीं खा लो आगे खाने की ज्यादा टेंशन ना कि हुन भी खावा बाद चो भी खा। चलो कड्डो प्लेट आज ते चटनियां भी सुख ना दो आ पान ली। चल प्यारी तेनू डोसा भी बना दा एक फिर तवा कड्डो फिर ओ मैं ना थल्ले रखता ही ओदे च थल्ले वाले खाने च अपनी अपनी पान ली। वैसे तो सज के बैठना चाहते हैं कि कुछ ना करना पड़े पर इनको बुलाया गया है। खाना बहुत महान काम है। ऐसी बीवी हो तो खाना काम सोखा है। सोखा ही है उसमें ओखा क्या है? बहुत ओखा है। प्यारी जाए तो ना नहीं पाला। नहीं नहीं होर दूजा ले लो प्लीज। डंग खाते हैं जैसे मर्जी। लो चंगे डंग सारा अंडा है तो देसा ही पोजन कर हमने। कन्या ले जाए। ये तो पर ये दां ये बंदा जेब छुपा दे जैसे मर्जी लाए खा ले। जेब च पा के चंबड़ा ले जेब दे नाल। बहु इदां ना करो नहीं वधिया लगदा की करन। इदां परौंठी ला जे जेब च होए ते किदां दे आ किदां तीन निडलियां बुग्गियां जीआं ला के आ गया। सो टमाटर दी चटनी नारियल दी चटनी एंड सांभर तो पति नूं जो मिलदा है परफेक्ट मिलदा। पति ते कहंदे उई ला दे अचार नहीं खा लैना इडली में। सवेरे कहंदे डोसे ला दे मैं अचार नहीं खा लूंगा। चलो खाओ बहु रिव्यू दो केड़ी चटनी तुहानू वधिया लगी सब तो। चटनी में खा लिया दोनों वधिया है। वधिया ओ पतली जी होर हुंदी ओ वैसे भी फ्रेश नारियल दी होनी है एक उगड़ा। तो पहला डोसा ठीक ठाक है पर पति काम चला लेंगे। सिर्फ ध्यान करना चाहिए था। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੋ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੇਵੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਮੰਡ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਟ ਡੂ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਨਾ ਜਸਟ ਡੂ ਇਟ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਔਰ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੋਏ ਮੈਂ। ਸੋ ਪਤੀ ਕੋ ਡੋਸਾ ਦੇ ਦਿਆ ਬਹੁ ਡੋਸਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮਸਾਲੂ ਡੋਸਾ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਡੋਸੇ ਬਣਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਤੀ ਦਾ ਪੇਟ ਤੋਂ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੋਸਾ ਆਉਣੇ ਦੋ ਔਰ ਆਉਣੇ ਦੋ ਇਹ ਤਾਂ 20 ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਓਕੇ ਹਮਾਰੀ ਨਾ ਸਟਰੀਟ ਮੇ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਆਂਟੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਵੋ ਹਮ ਉਨਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਇਆ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਹਮ ਨਾ ਡੋਸਾ ਇਤਨਾ ਬਣਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੂੰ। ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ
बेटा इतना तो खाना ही पड़ेगा, डोसा होता है इतना पतला, इतना तो मैं भी खा जाती हूँ। सो हमें पता चला कि सारे ये ना खाते हैं, क्योंकि घर में जो डोसा बनता है पिद्दा सा तो बनता है। सो अम्मा भी खा लेती है, 15 भी तो खा ही लेती है, क्योंकि इतने पतले पतले होंगे तो बेटा खा हो गई। तो ये अम्मा का ही जाके खा लिया करो फिर। और उन्होंने एक दिन पता क्या हुआ, एक दिन बाद मैं की बनाना सी ओके, मैंने ना छोले भटूरे बनाने थे। मैंने हस्बैंड को कहा कि तुम कुछ लाइट सा ब्रेकफास्ट कर लेना, हमारा लंच और डिनर हो जाएगा छोले भटूरे के, उसके बाद हम खाएंगे नहीं। तो बाहर अम्मा मिल गई, तो अम्मा को कहते, अम्मा कह रही बेटा तुम आ जाओ सैर करेंगे। एक कहते नहीं मैं सैर नहीं करूँगा, मैंने कुछ खाया ही नहीं अम्मा। अम्मा कहती बेटा इतना टाइम हो गया तुमने खाया क्यों नहीं। कहते अम्मा इसने बनाया ही नहीं। अम्मा ने यह नहीं दसा कि अंदर जाके मैं छोले भटूरे खाऊंगा, और कहते अम्मा इसने बनाया ही नहीं। अम्मा गई बेटा तुमने इतनी लेट तक इसे खाना क्यों नहीं खिलाया। मैं कहा अभी ये छोले भटूरे टेढ़ेगा अंदर जाके, अम्मा इसको इतना भोला मत समझो। इदा है मेरी गली महल कर दिया बे निंदा चुगलिया निंदा। So yeah, that's the story about my pati being pati and bachara pati in front of random amma. फिर अंदर आके पति ने खाते 5-7 भटूरे। पति ना आपकी कभी तारीफ कर ही नहीं सकते, कभी खुश हो ही नहीं सकते, नखरे कर सकते हैं ये बस। इडली का एक बैच बनाएंगे और देन बी डन, पक्खा चलाएंगे। कहते ही मैंने भुख नहीं लगी है। तो दूसरा बैच बन चुका है, सारे रेस्टोरेंट का फूड कर च मिल रहा तू कि चाहे कि जिंदगी तो वध हो राइट मौत ला तो भी समाधि को मौत। सो हम लोगों ने खाना खा लिया है एंड थोड़ी सी वॉक करने के लिए जाएंगे एंड थोड़ी सी इतनी सी क्लीनिंग भी कर दिया मैंने। होपफुली हिम्मत भी खा लेगा इसलिए, क्योंकि बाहर जब रेस्टोरेंट से खाते हैं वो खा लेता है पर घर में वो नखरे करता है। सो थोड़ी सी वॉक करके वापस आते हैं। आई डोंट नो आने के बाद मैं वीडियो बनाऊंगी या नहीं। सो यही है हमारा डिनर रूटीन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा है तो प्यारा सा कमेंट करना, एंड अगर आप मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से अपनी इंट्रोडक्शन देना, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ ऐसे बोल देना इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन, अपने बारे में बताना। मुझे आप लोगों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। All you have to do is think about it and take action. Easy peasy, lemon squeezy. Bye bye, lalu. Daddy, tu hi jana walk karni hai nahi? Main bahar khadi hai, ghanta ho gaya.